hello good evening my name is manish kumar sahu welcomes all my friends <coughs> today we will, we will take some numerical questions based on current this is the uh, if you want to study the theory you can watch previous lecture <laughs> here first question is find the number of current in 1 ampere आपको नंबर ऑफ़ सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एम्पीयर दैट मीन्स सपोज कर लो कि ये कंडक्टर है ठीक है सपोज दैट ए एर ए बी जे कंडक्टर इफ द इज फ्लो फ्रॉम ए टू बी देन करेंट मैंने प्रीवियस में बताया था करेंट्स फ्लो फ्रॉम बी टू ए मतलब कि विद्युत हारा की प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के गति की विपरीत होती है मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़े जी क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एम्पियर वन एम्पियर मतलब क्या दिया है आपको करंट की वैल्यू गिवेन है ठीक है तो सपोज़ देखो अगर इसमें करंट की वैल्यू आपको कितना गिवेन है वन एम्पियर तो इसमें कितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है मतलब आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ए टू बी ठीक है यदि किसी भी परिपथ में एक एम्पियर की धारा बहती है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बिकॉज़ आप जानते हो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंट ओके तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही चाहिए दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो इसके लिए आपको सबसे पहले गीवन देखो क्या गीवेन है क्वेश्चन में <laughs> देखना सबसे पहले करंट फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एम्पियर दैट मीन्स आपको करंट गिवन है द वैल्यू ऑफ करंट इज वन एम्पियर एम्पियर इज ए दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ करंट एस आई यूनिट ऑफ करंट ओके का ऐसा si यूनिट है तो अब देखो इसमें करंट गिवन है आपको ओके एंड इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए दैट कॉन्सेप्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आवेशों का क्वांटीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको आवेशों का क्वांटीकरण ठीक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस यहाँ क्यों मतलब ये चार्ज के लिए है तो देखो यदि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है इफ़ द यू हैव अ वन मेटल वायर सपोज दैट एक मेटल वायर है ठीक है इसमें टोटल चार्ज सपोज दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ई है अगर आपसे पूछता है ना कि इस टोटल की टोटल वायर में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस देन टोटल नंबर ऑफ चार्ज q इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन ई दिस फार्मूला इज नोन एज क्वान्टजेशन ऑफ चार्ज इसका मीनिंग क्या है देखो यदि इसमें मान लो को आपको पूछा कि इस वायर में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं तो कितने चार्ज हो गए बेसिकली आप जानते हो सबसे कम से कम चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है प्लस जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में प्रेजेंट होंगे उनका मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मिल जाएंगे ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करना है तो यही ट्रिक होता है एक चीज़ और याद रखना टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ये जो क्यू के वैल्यू है ना ये टोटल ऑलवेज आपको इंटीजर मिलेगा ठीक है या तो ई मिलेगा टू ई मिलेगा थ्री ई लाइक दिस वैल्यू मिलेंगे ये वैल्यू कभी भी हाफ ई टू बाई थ्री बाई टू ई लाइक दिस ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी हाफ प्रेजेंट नहीं होते ना किसी भी मेटल्स में ठीक है कम से कम न्यूनतम इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा ही सो दिस वैल्यूज आर पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल ओके तो इस कॉन्सेप्ट में अपन ये यूज करेंगे इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे देखो अब करेंट वैल्यू गिवेन है और कुछ भी नहीं गिवेन है आपको फाइंड क्या करनी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फार्मूला क्या होता है इसके केस में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि करेंट इफ यू वांट फाइंड करेंट इक्वल टू फार्मूला है चार्ज अपॉन टाइम ओके करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट आई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट चार्ज इज क्यू टाइम इज टी ठीक है चार्ज इज क्यू टाइम इज टी अब देखो अब इसमें हियर क्यू इक्वल टू एनी सो पुट ऑन दिस फार्मूला क्यू इक्वल टू एनी अपॉन ये फार्मूला हुआ देखो आपको फाइंड क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको एन फाइंड करनी है तो फार्मूले को मॉडिफाई करो थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस डू अपॉन इक्वल टू ठीक है ये सारे वैल्यू आपको फाइंड होने चाहिए ओके अब देखो करेंट <laughs> के वैल्यू गिवेन है बट टाइम तो गिवेन ही नहीं है कि कितने सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बाई डिफॉल्ट यदि किसी क्वेश्चन में टाइम गिवेन ना हो तो आप ऑलवेज टेक टाइम टी इक्वल टू वन सेकेंड टेक इफ द टाइम आर नॉट गिविन इन क्वेश्चन एंड क्यू दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी नो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर गुलाम इज अ ऐसा यूनिट दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ठीक है चार्ज का ऐसा यूनिट है अब देखो इस सारे वैल्यूज किस में रख दो आंसर मिल जाएगा आपको सो एन इक्वल टू आई करेंट हियर द करेंट इज गिवेन वन एम्पियर सो द वैल्यू ऑफ करंट इज वन एम्पियर इन टू टाइम द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वायर सपोज दैट कितना है बाई डिफॉल्ट आपको वन सेकेंड लेनी थी तो आपने वन सेकेंड लिया इक्वल टू चार्ज वट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स जीरो इन टू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन को ओके okay. इसको सॉल्व करो तो एन इक्वल टू वन इंटू वन वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स ए नाइन ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा टेन टू पावर प्लस नाइनटीन हो जाएगा ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिटेल आप ऐसे यूज कर सकते हो पॉइंट को पहले हटाओ यह हो जाएगा टेन अपॉन सिक्सटीन इंटू टेन टू पावर नाइनटीन अब देखो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा सॉल्व करने में इस, इसलिए ना इससे टेन यहाँ ले लो कितना हो जाएगा ये हंड्रेड इंटू टेन टू पावर एटीन अपॉन सिक्सटीन ओके मैंने इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ इसको आप कैंसिल आउट कर दो चूँकि ई नंबर है तो दो से कैंसिल होगा दो अट्ठे सोल्ठ सोलह और दिस इज़ फिफ्टी दिस इज़ फोर दिस इज़ ट्वेंटी फाइव एंड डिवाइड दिस फोर सिक्स पॉइंट टू पावर दैट मीन्स इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वायर फ्लोइंग इन अ वन सेकेंड टाइम तो ये क्या है यही आपका आंसर है दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन सेकेंड कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है वन पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टू पावर एट्टी इलेक्ट्रॉन इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करेंगे ठीक है एक चीज ऑलवेज रिमेंबर रखना किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना होगा ना तो ऑलवेज ऑलवेज ऐसा यूनिट ही प्रीफर करते हैं ठीक है हियर देख लो ध्यान से सेकेंड इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम गुलाम ऐसा यूनिट है चार्जेस का करंट कैसे ऐसे यूनिट एम्पियर है सारे के सारे वैल्यू मैंने ऐसा यूनिट में लिया था एंड नंबर नंबर की कोई यूनिट नहीं होती ना इसलिए से कोई यूनिट नहीं होगा क्लियर है ठीक है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओके क्लियर एवरी वन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है इफ फोर एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर ठीक है देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ओके आपको फाइंड करना है देखो क्वेश्चन अगर इसको ट्राई बहुत बो, इजी क्वेश्चन है आप वीडियो को पुस्टअप करके ट्राई कर सकते हो एक बार ठीक है तो देखना इसमें फाइंड क्या करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बेसिकली अपन टफ समझ लेते हैं ना एक बार तो इसको ऐसा बिल्कुल ना समझना बहुत इजी है बस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने पे इजीली बन जाता है इसलिए मैंने इजी इजी क्वेश्चन टॉपिक लिए हैं फ्यूचर में थोड़ा टप भी लूंगा देखो क्या है इफ़ फोर एम पीयर करेंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर मान लीजिए सपोज दैट ए कंडक्टर है अपने मन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी एक कंडक्टर है इसमें फोर एम की करंट बह रही है फ्लो कितना हो रहा है फोर एम की करंट सपोज दैट कर लेते हैं ए टू बी करंट बह रहा है ठीक है फोर बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हो फोर एम करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड देखो क्या फाइंड करना है फाइंड क्या करनी है उसको ध्यान से देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन में ये फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड तो देखो अब एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे करंट गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फाइंड करना है और कोई वैल्यू नहीं दिया है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है आपको पता ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से ही तो करंट के जनरेट होगा इस केस में अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजली सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो तो गिवन क्या क्या है गिवन वैल्यू है देखो करंट करेंट आई इक्वल टू फोर एम्पियर इट इज गिवन ओके एंड विनो द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो इन टू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके फार्मूला क्या यूज करोगे करंट के करंट फाइंड करने का फार्मूला होता है करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी इफ़ यू मोडिफाई दिस क्यू इक्वल टू बाई क्वांटेशन ऑफ चार्जेस एनी अपॉन टी ओके तो यहाँ से देखो अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो आई इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया एनी अपॉन टी आपको फाइंड क्या करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड तो बाकी वैल्यू अरेंज करो सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो आई अपॉन ई हो गया अब देखो आई की वैल्यू कितनी है आई इज गिवेन फोर एम्पियर तो आई की वैल्यू फोर हो गया और चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम ओके इसको आप सॉल्व कर लो इजी सॉल्व हो जाएगा आ, फोर अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर ऊपर ले जाओगे तो माइनस का भी, भी साइन चेंज आता है ना तो ये प्लस नाइनटीन हो गया ठीक है पॉइंट हटा दो तो ये हो गया आपका फोर्टी अपॉन सिक्सटी इंटू टेन टू पावर नाइनटीन ओके टू तो से कैंसिल हो जाएगा एट हो जाएगा ये ट्वेंटी हो गया फोर हो गया एट टेन हो गया फोर टू जा एट फिर टू बचा फोर फाइव जा इन टेन टू पावर नाइनटीन दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन दिस वायर तो ये क्या है आपको फॉर्म आंसर हो गया ठीक है बहुत ईजी है चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो क्वेश्चन में क्या भी बोला था इफ़ द फोर एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर यदि किसी चालक में चार एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना होगा तो इसके लिए सबसे पहले मैंने करंट की वैल्यू गिवन थी चार्जेस अपने को पता है फार्मूला क्यू इक्वल टू एनी अप्लाई किया एनी बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्यू इक्वल टू एनी होता है आप चाहिए कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इसलिए इसको आप पहचानते कर दिए टेक साइड तो अब यहाँ से करंट की वैल्यू पता है चार्जेस पता है और सॉल्व कर लिए आंसर हो गया ओके अनदर क्वेश्चंस इफ देखो क्वेश्चन को ना ये काम कर सकते हो इसको पूछ करो और सॉल्व करो खुद से ठीक है नहीं बनता है फिर देखना इफ़ टेन टू पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इन टेन टू पावर माइनस थ्री सेकेंड देन फाइंड करेंट एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट ओके चलो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या बोला है इफ़ टेन टू पावर नाइन इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी सपोज दैट एक कंडक्टर है आपका ए बी इट इज़ ए कंडक्टर टेन टू पावर नाइन इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी अब देखो ए से बी में टेन टू पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी ओके इन टाइम इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है माइनस थ्री सेकेंड ओके है टेन टू पावर माइनस थ्री सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रॉम ए टू बी फ्लो कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है टेन टू पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स अब देखो क्या फाइंड करना है करंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओके फाइंड कर लेंगे फाइंड करंट ये ठीक है सेकेंड बोला है डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज वेरी इजी आप जानते हो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम ए टू बी देन करेंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए सो द आंसर ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ करेंट दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करेंट इज बी टू ओके अब देखो करंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप फार्मूला अप्लाई करो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है क्यू अपॉन टी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो टेंशन ना बस आपको इजिली बस फार्मूले को सही से अप्लाई करना है आंसर तुरंत आएगा तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी ठीक है देखो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया है मतलब आपको क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आवेशों को क्वान्टीकरण का सिद्धांत यूज करना पड़ेगा Q वो इक्वल टू एनी सो हियर यू कैन राइट एन ई अपॉन टी इट इज आई देन फाइंड क्या करना है फाइंड द करेंट ओके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है टेन टू पावर नाइन इलेक्ट्रॉन ओके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ई वट इज द वैल्यू ऑफ़ ई अब तक तो याद हो गया होगा ई इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम देखो स्टैंडर्ड वैल्यू हैं इन सारे वैल्यू को रिमेंबर रखना ठीक है तो ये वैल्यू कितना होगा वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम एंड द टाइम इज टेन टू पावर माइनस थ्री सेकेंड ओके सॉल्व करो इसको तो हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू पावर नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इंटू देखो कभी भी ना डिनोमेटर से डिमोनीटर में अगर शिफ्ट करोगे तो पावर चेंज हो जाते हैं ना प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस ओके वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू पावर इफ़ द बेस आर इक्वल्स एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में यदि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन देन ए की पावर एम प्लस एन दैट मीन्स इफ़ द बेस आर इक्वल देन यू कैन एड इट्स पावर यदि बेस इक्वल हो तो पावर वो नॉर्मली एड कर देते हैं ठीक है तो देखो यहाँ बेस टेन टेन इक्वल है तो पावर कैड कर दो नाइन माइनस नाइन टीन प्लस थ्री देन यू गेट वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू पावर यह हो जाएगा टेन ठीक है यह हो जाएगा माइनस टेन प्लस थ्री Equal to 1.60 into 10 to power minus टू That means दैट ये क्या है टोटल नंबर ऑफ current एंड सारे के सारे वैल्यू देखो टाइम को second ऐसा यूनिट लिए हैं ठीक है गुलाम ऐसा यूनिट तो ये भी किस में होगा ऐसा यूनिट मतलब ampere तो ये टोटल नंबर ऑफ current हो गया ठीक है दैट <coughs> means आपको देखो एक ईजली uh, हैं बहुत इजी फॉर इजी क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं बेसिकली ये आपके सब नेट एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं नेट एग्जाम में आईआईटी में तो कुछ ज़्यादा uh, मतलब इससे टफ क्वेश्चन आता है बट बेसिक अगर बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप जाके हायर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये बेसिकली आपके एग्जाम्स में एकेडमिक एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एम मनीष कुमार साहू ओके यूज़ द लॉकडाउन इन योर होम विथ स्टडी हैप्पी विथ स्टडी माई लोगो एट अ लॉकडाउन हैप्पी विथ स्टडी ठीक है पढ़ते पढ़ते खुशी से रहो पढ़ने के साथ ओके थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग